सी है, मेरा ऑनलाइन क्लासेस ए प्लस ऑनलाइन क्लासेस का नाम है। आज हम सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90 यानी कि 4 दशकों के बारे में बात करेंगे। तो इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने पंचवर्षीय योजना का पूरा उल्लेख कर दिया है कि कैसे कैसे पंचवर्षीय योजना, कौन कौन सा पंचवर्षीय योजना, उसके लक्ष्य क्या थे, मॉडल क्या थे उनके, तो ये सब मैंने बता दिया है। अब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। 3 टॉपिक है टोटल मिलाकर के। एक कृषि है, उद्योग और व्यापार है, और व्यापार नीति है। उद्योग और व्यापार तो ये तो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, और व्यापार नीति व्यापार के अंतर्गत कौन कौन सी नीति अपनाई गई जिससे व्यापार को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सब इसमें आपको बात करूंगा। और कृषि में जो है, कृषि में 2 इम्पोर्टेंट चीज हुए। पहला भूमि सुधार हुआ जिनमें चकबंदी वगैरह ये सब आता है, और दूसरा हुआ हरित क्रांति जो 1964-65 में आया था। तो उसी इन्हीं के बीच में आपको एक वर्ड समझाऊंगा, इसमें है विपणित अवशेष। क्या होता है? किसानों का उत्पादन का, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया जो अंश होता है उसे विपणित अवशेष कहते हैं। अगला टॉपिक है उद्योग और व्यापार। उद्योग और व्यापार में जो मैं आपको बताऊंगा आगे, मतलब और डिस्क्रिप्शन दूंगा, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो इसमें भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, और ये एक प्रश्न की तरह हम कह सकते हैं, ये एक प्रश्न की तरह हमारे अर्थशास्त्रियों के ऊपर एक पड़ा था आकर के, कि भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र इन दोनों में से किस पर ज्यादा खर्च किया जाए, किस पर कम खर्च किया जाए, या कैसे बैलेंस में रखा जाए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और औद्योगिक नीति प्रस्ताव यानी कि नीति जो रखी गई थी और उद्योग को बढ़ाने के लिए जिन नीतियों का प्रस्ताव किया गया था उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और व्यापार नीति में आयात प्रतिस्थापन यानी कि जो विदेशों से जो आयात होता है उसके बदले में हम अपने घरेलू निर्मित वस्तु का निर्यात करें, वो आयात प्रतिस्थापन। और औद्योगिक आयात प्रतिस्थापन यानी कि आयात को रोकना पूरी तरह से, और घर में ही चीजों को बना करके यानी कि घरेलू चीजों का निर्माण करके मतलब विदेशों में निर्यात करें, इससे हमारा बिजनेस फैलेगा और हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा विदेशी व्यापार में। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव यानी, हाँ मैंने जैसे बताया था औद्योगिक विकास पर जो है वो नीतियों का कैसे प्रभाव पड़ेंगे। और निष्कर्ष जो लास्ट टॉपिक है हमारा, निष्कर्ष में बताऊंगा प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजना थे वो कैसे थे और किस तरीके से 1990 तक हम इन पंचवर्षीय योजना का मतलब इफेक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे। हमारा पहला टॉपिक है भूमि सुधार। भूमि सुधार में कृषि को इंपॉर्टेंस दिया गया। अब 75% जनता दोषी आज़ादी के वक्त वो कृषि पर डिपेंड थी, 75% जनता। तो भूमि सुधार में कुछ नीतियाँ अपनाई गई, जैसे कि सबसे पहली नीति है ये जमींदारी प्रथा का जो अंत हुआ वो मतलब अंत तो काफ़ी लंबे समय तक मतलब संघर्ष करने के बाद हुआ पूरी तरह से अंत, लेकिन स्टार्टिंग में जो मतलब पहले पंचवर्षीय योजना में जो प्रयोग किए गए थे कि जमींदारों को हटा दिया जाए, तो उससे क्या हुआ कि जमींदारों के पास एक राइट था कि वो कोर्ट में जाके केस कर सकते थे सरकार के खिलाफ कि हमें जबरदस्ती हटाया जा रहा है अपने पद से। तो उन्होंने संघर्ष किया, इस संघर्ष को देखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना तो ऐसी चली गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक थोड़े बहुत जमींदार हटे मतलब, लेकिन पूरी तरह नहीं हट पाए, फिर भी कामयाब रहा मतलब एक तरह से इनकी नीति। अब जमींदार क्या होता है आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूजन में होंगे। जमींदार जो थे ब्रिटिश सरकार ने 4-5 गांव मिलाकर के उन पर एक जमींदार फिक्स कर दिया था, और उन गांव में जो किसान थे उन पर एक मतलब जमींदारों पर ही, जैसे कि 4-5 गांव है, चार गांव पर एक जमींदार ठीक है। और इन जमींदारों पर जो था, जमींदारों के ऊपर वो बैठा हुआ था ब्रिटिश सरकार बैठी हुई थी, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, प्रतिवर्ष जैसे मान लीजिए एक लाख रुपए का मतलब लगान फिक्स कर दिया जमींदारों को। अब जमींदारों को जो था गांव में जो किसान बैठे हुए थे, किसान छोटे मोटे किसान जो थे चार गांव के मिला करके, इस जमींदार को क्या करना था, ये 1 लाख रुपए इन किसानों से वसूलना था, और वो 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार के पास देना था। अब जमींदार क्या करते थे, तो ये 1 लाख रुपए तो बटोर लेते थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा होता था वो भी जबरदस्ती करते थे किसानों के साथ कि वो भी हमें दो।
तो किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था, और जमींदार और ब्रिटिश जो थे, ये जो है जमींदार और ब्रिटिश जो थे टोटल मिला करके, ये दोनों क्या करते थे, लगान के टाइम पे तो सही से टाइम पे पहुंच जाते थे, लगान वसूलने के टाइम पे, लेकिन जो भूमि सुधार हो गया, किसानों की आर्थिक मदद हो गई, इन सब मामले में ये हमेशा पीछे रहते थे, कभी मतलब पहल नहीं की इन्होंने। तो जमींदारी प्रथा ये होती है। अब जमींदारी प्रथा का अंत भी हुआ, जमींदारी की प्रथा का अंत हुआ, बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ एक तरह से। तो जमींदारी प्रथा का जो अंत हुआ, तो उसी में एक वर्ड है बिचौलिया। जमींदार जो थे वो बिचौलिए काम कर रहे थे, तो बिचौलियों का अंत हुआ। बिचौलिए के अंत के कारण जो 75% जो किसान थे वो सीधे सरकार के अंडर में आ गए। तो सरकार जो थी वो बिचौलियों को हटा रही थी। अब बिचौलियों को हटाने का मतलब ये था कि जैसे कई बार होता है कि किसान जो है वो उपज का कुछ हिस्सा जैसे बाजार में जाके बेचते हैं, और बाजार के लोग जो है वो सरकार को बेचते हैं, तो उससे क्या करता है, तो सरकार का तो एक ही मोटिव रहता है कि गरीबों को मतलब जो उपज होती है उसको बहुत कम से कम रेट में गरीबों तक पहुंचाना, लेकिन जो बिचौलिए होते थे वो बीच में खा जाते थे। तो इस तरीके से किसानों का, और बहुत कम रेट पर किसानों से खरीद लेते थे शोषण करके, और सरकार को बहुत अधिक रेट में बेचते थे, और बोलते थे कि ये हमारा मतलब यातायात का जो भी खर्चा था मिला जबरदस्ती मिला देते थे। तो उन बिचौलियों को सरकार ने हटाया, ये ब्रिटिश शासन में सबसे ज्यादा चलता था। तो उन बिचौलियों को सरकार ने हटाया, तो क्या किया सरकार ने इसको हटा करके सीधा जो बिचौलियों से खरीदते थे सरकार, वो सीधा किसानों के पास जाके खरीदने लग गए। तो इससे फायदा ये हुआ कि किसानों को अधिक से अधिक रुपए सरकार ने उपलब्ध कराए, यानी कि जो खरीद होती थी, खरीद रेट होती थी, वो सहायक रेट के रूप में जाना जाता है, जैसे BPL हो गया ये सब। तो इस तरीके से, तो बिचौलियों को इस तरीके से सरकार ने हटा दिया, और अनाज जो थी वो डायरेक्ट किसानों से खरीदने लग गई। अब आया भूमि सुधार में चकबंदी। चकबंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। इसको क्या किया सरकार ने देखा कि कई किसान ऐसे हैं, मतलब 50 से 50 ज्यादा परसेंट किसान ऐसे हैं जिनकी जो खेत है, तो सबसे पहला चकबंदी में ये किया गया कि खेतों का जो, जैसे छोटे छोटे कई बार किसान जो होते थे उनके छोटे छोटे खेत अलग अलग जगह पे होते थे, एक जगह पर खेत नहीं होते थे बड़े तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन किसानों को पहले ढूंढा किन कौन कौन से किसान हैं जिन जिनके खेत अलग अलग जगह पर छोटे छोटे रूप में है। उन किसानों को ढूंढने के बाद जिनके खेत छोटे छोटे जगह पर अलग अलग थे, उन सबको एक जगह किया। मतलब जैसे मेरा खेत है, मेरे पास चार खेत है छोटे छोटे जगह पे, अलग अलग जगह पे चार खेत है, ये तीन खेत है, चार खेत मेरा। तो इन चारों को हटा करके एक ही जगह पे, इन चारों का मतलब जितना होता है मिला करके, जितना मतलब होता है उतना एक ही जगह पे मुझे खेत दिया गया। और यहाँ ये सिस्टम इसलिए लागू किया गया क्योंकि इस सिस्टम के लागू करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये एक बड़ा एरिया हो जाता है। यहाँ पर जो है आधुनिक मशीनों का अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, सिंचाई व्यवस्था का हम अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कम समय में हम बीजों का मतलब हाइब्रिड बो सकते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे जो खेतों में थे, आरियां बनी होती थी पहले, तो आरियों से क्या होता था, मशीन पहुंच नहीं पाते थे, बड़ी बड़ी जो मशीन थी वो इन छोटे छोटे खेतों में अच्छे तरीके से जुताई नहीं कर पा रही थी, तो इस तरीके से नुकसान हो रहा था, और आरियां जमीन की जगह भी गिर जाती थी इस चक्कर में। तो ये चकबंदी का सबसे बड़ा पॉइंट है एक तरह से। फिर इसमें एक और चीज किया गया चकबंदी में कि जो भूमि का जो मालिकाना अधिकार है वो उनके रियल किसान को दिया गया, यानी कि जो रियल किसान थे जो भूमि पर खेती करते थे उनको भूमि का मालिकाना हक दिया गया, और जमींदारों को बिचौलियों को हटा दिया गया। ये एक तरीके से भूमि सुधार में हुआ। अब आधुनिकीकरण में जैसे कि पुराने बीजों के जगह पर नए किस्म के बीजों का प्रयोग करना, उसके बाद नए मशीन जैसे कि ट्रैक्टर ये सब, और जो सिंचाई व्यवस्था जो थी, सिंचाई व्यवस्था जैसे कि बोर्डिंग, इन सब की शुरुआत हुई। मतलब कृषि में आधुनिकीकरण का पूरी तरह से उपयोग करने की पहल हुई किस सरकार द्वारा। सरकार ने क्या किया, किसानों को जो बैंक से लोन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटे किसान जो थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आधुनिक मशीनों को खरीद सके या हाइब्रिड को खरीद सके। हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड की उस समय जो कीमत थी वो काफ़ी हाई होती थी, तो सरकार ने इसको भी देखते हुए किसानों के पास जो बैंक से वो लोन उपलब्ध कराए कम ब्याज दर पर। तो उसके बाद आता है हरित क्रांति, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृषि में, हरित क्रांति।
अब हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति आया 1960 के दशक में। इसके भारत में हरित क्रांति के जनक है, ये है एम एस स्वामीनाथन। ये रहे एम एस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जनक रहे हैं भारत में। तो हरित क्रांति जब आई, हरित क्रांति के पहले दशक में हरित क्रांति में HYV जो था, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, यानी कि हाई क्वालिटी की बीज जो बहुत कम समय में मतलब उत्पादन को बढ़ा सके, तो ये बीज थी। अब हरित क्रांति जो थी 1960 से 70 को पहला दशक माना जाता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति जो 1960 से 70 के दशक में जो थी, मतलब 60-70 के दशक में, इसमें जो था मतलब कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही प्रगतिशील क्षेत्रों में भारत के प्रयोग किया गया, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब कृषि के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके, बहुत ही बढ़िया उपजाऊ जमीन मानी जाती थी, तो इन्हीं में प्रयोग किया गया। इनमें प्रयोग करने का फल ये दिखा कि गेहूं और चावल, ये जो दो फसल थे, इन दोनों का मतलब इन दोनों में लाभ बहुत ज्यादा हुआ। गेहूं और चावल में विशेष तौर पर लाभ हुआ। तो इस लाभ को देखते हुए हाइब्रिड का प्रयोग 1970 के अस्सी, जो कि दूसरा दशक है, इसमें और राज्यों तक पहुंचाया गया भारत के, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब जगहों पर पहुंचाया गया। तो इन सब जगहों पर पहुंचाने के बाद देखा गया कि और भी मतलब फसल थे, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, इन सब में भी मतलब वृद्धि हुई, यानी कृषि का विकास धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन कुछ भी कुछ कारण ऐसे थे जिनके कारण कृषि में विकास नहीं हो पा रहा, जैसे कि जो चार जो लड़ाइयाँ हो गई हमारे, चीन भारत पाकिस्तान, इन सब लड़ाइयों के कारण कृषि पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हमारे पास उस समय कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिन पर भारत निर्भर था। उद्योग भी थे लेकिन बहुत कम थे। अब जो है हरित क्रांति के आने के बाद सरकार के पास एक क्वेश्चन आके खड़ा हो गया। वो क्वेश्चन था, छोटे तथा बड़े किसानों के बीच एक गहरी खाई। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, स्टेटमेंट भी हो सकता है। अब क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नहीं, एक तरह से समस्या थी, इनडायरेक्टली भारत के पास एक समस्या आ रही थी, जो कि समस्या जो थी उसका निवारण भी हुआ लेकिन अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, जिसके कारण कृषि जो था 1950 से 90 के दशक में एक असफल नीति मान जाती है। कृषि में की गई जितनी नीतियां थी उसको असफल, मतलब बड़े बड़े विद्वान जो थे वो असफल मानते हैं इस नीति को। तो हम इस प्रश्न पर जाते हैं, छोटे तथा बड़े किसानों के बीच जो है गहरी खाई हो रही थी। अब गहरी खाई इसलिए बन रही थी क्योंकि छोटे किसान जो थे उनके पास उतने पैसे नहीं थे, उनकी अर्थव्यवस्था उतनी नहीं थी कि वो हाइब्रिड को खरीद सके, या ये प्रौद्योगिक, मतलब क्या कहते हैं, ये औद्योगिक औद्योगिक मशीनों को खरीद सके, आधुनिक मशीनों को खरीद सके, और वो मतलब उनके पास, उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो मतलब निर्भर हो सके, मतलब कृषि को अपनी आजीविका बना सके। तो ये था एक, और बड़े किसान जो थे वो तो तुरंत अपने तुरंत मशीन उपलब्ध करा रहे थे, सिंचाई व्यवस्था विस्तार कर रहे थे, और मतलब अच्छी तरीके से हाइब्रिड मंगा करके कि अपना अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप कर रहे थे। किसान मतलब कृषि में वृद्धि करते जा रहे थे, अमीर बनते जा रहे थे। तो ये गहरी खाई बनती जा रही थी। तो इस खाई को देखते हुए सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ सहायता मतलब कि छोटे किसानों को देना शुरू कर दिया। अब सहायता में सबसे पहला ये था, सबसे पहला सहायता जो था वो था लोन, कम ब्याज दर पर सरकार ने बैंक से लोन उपलब्ध कराए। उसके बाद जो था आधुनिक मशीन, उपलब्ध कराई सरकार ने किसानों को, आधुनिक मशीन जो है बहुत ही कम रेट पर मतलब उपलब्ध कराई। फिर उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें कि जो कृषि कृषि जो था उस समय, छोटे किसान जो बड़े किसानों के पास तो था मतलब सिंचाई व्यवस्था का कुछ साधन, लेकिन छोटे किसान जो थे वो सिर्फ बारिश पर और नदी नहर पर मतलब उपलब्ध थे, मतलब निर्भर थे। तो सरकार ने क्या किया, सिंचाई व्यवस्था मतलब हर मतलब खेतों के आसपास नहरों को कि खेतों तक पहुंचाया गया। सिंचाई व्यवस्था में बोर्डिंग शुरू करवाई गई किसानों के मतलब खेतों के बीच में, तो बोर्डिंग की व्यवस्था करवाई गई, मतलब आधुनिक तरीकों को मतलब कि छोटे किसानों तक पहुंचाया गया, मतलब सिंचाई व्यवस्था में विस्तार किया गया। सिंचाई विस्तार हुआ। तो इस तरीके से सरकार जो है किसानों को लाभ देना शुरू, किसानों को मदद करना शुरू कर दी। तो 1950 के दशक में, आपको अभी एक टेबल बना करके दिखाऊंगा, 1950 से 90 के दशक में कैसे ये तीन जो क्षेत्र है हमारे, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा जो है सेवा क्षेत्र, इन तीनों में कैसे मतलब उतार चढ़ाव आए।
उनको मैं टेबल के रूप में आपको समझा दूंगा, बाकी मैं अगले क्लास में समझाऊंगा। तो 1950 से 90 के दशक में मैं आपको बताता हूँ, चार दशक जो थे उनमें ये जो तीन सेक्टर है भारतीय इकोनॉमी की, कृषि, उद्योग और सेवाएं, इनमें जो उतार चढ़ाव आए मैं बताता हूँ। सबसे पहले कृषि में जो थे 70.1% जो कृषि में लगे हुए थे 1950-51 के टाइम में, वो 66.8 हो गए। उद्योग जो थे उसमें 10.1% थे, लेकिन 10.1% जो थे लेकिन उसमें जो है तो वो 12.7 हो गया, यानी कि उद्योग में थोड़ा विस्तार हुआ, विकास हुआ। सेवाएं जो थी वो 17.2% थी उस समय 1950-51 में, वो 20.5% हो गई। तो कृषि को जो है, कृषि जो है हम जिसकी बात कर रहे थे, कृषि में नीतियां तो अपनाई गई, सही नीतियां अपनाई गई, लेकिन उस नीतियों को मतलब कुछ जमींदारों के संघर्ष ने, तो मतलब कुछ बड़े उच्च जिनको लाभ हो रहा था ब्रिटिश सरकार में, उनके संघर्षों के कारण कृषि की जो कुछ नीतियाँ थी और लड़ाइयाँ जो हुई, चार लड़ाइयाँ चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन सब के साथ, बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई, तो उसके चक्कर में लड़ाइयों के कारण कृषि जो का जो अर्थव्यवस्था थो का अर्थव्यवस्था था वो थोड़ा पिछड़ गया। तो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री थे वो कृषि के नीतियों को मतलब कारण मानते हैं असफल होने के कृषि के। तो मैंने आपको इतना बता दिया है, अगला टॉपिक हम अगले क्लास में करेंगे।